Guys, welcome back to my channel. It's official, and I welcome you to day 9 of your HackerRank series, which is your variable sized arrays. ये problem आज जो है हम वो solve कर रहे होंगे. So I hope you are following the series from start to end, and you are also doing the same code, okay? And you are also practicing the same. So I will request you now कि अब आप problem जो है पहले देखने से पहले आप पहले खुद अपना करके देख लो. अगर नहीं हो रहा है, नहीं बन रहा है logic, then definitely come to the video. ये तो आपकी logic build करने के लिए ही है. तो मैं स्टार्ट टू एंड आपको सब एक्सप्लेन कर रही हूँ. तो आपको अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना. वी हैव टू मेक दिस सीरीज सक्सेसफुल. ओके, तो जैसे कि वेरिएबल साइज्ड एरे है हमारा, तो यहाँ पर हम सॉल्व चैलेंज पे क्लिक कर सकते हैं, एंड हियर वी विल गेट दैट. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड एक्जैक्टली व्हाट दे आर एक्सपेक्टिंग विद अस. सो यहाँ पर कंसिडर एन एलिमेंट एरे ए, ठीक है, विच वेर ईच इंडेक्स आई इन द एरे कंटेन्स अ रेफरेंस टू एन एरे ऑफ के आई इंटीजर्स वेर द वैल्यू ऑफ के आई वेरीज फ्रॉम एरे टू एरे. ओके, सी द एक्सप्लेनेशन सेक्शन बिलो फॉर अ डायग्राम. गिवन ए यू मस्ट आंसर क्वेरीज, क्यू क्वेरीज. ओके, ईच क्वेरी इज इन द फॉर्मेट ऑफ आई जे वेर आई डिनोट्स एन इंडेक्स इन एरे ए एंड जे डिनोट्स एन इंडेक्स इन द एरे लोकेटेड एट ए आई. ओके, for each query find and print the value of elements j in the array of location a of i on a new line. so yahan par okay, basically input format mein hame kya chahiye ki first line contains two spaced separated integers denoting the respective values of n. okay, so the number of variable length arrays and q chahiye unko the number of queries. to ye do cheeze to hame leni hai as input here फर्स्ट लाइन में. सो ईच लाइन आई ऑफ द एन सब्सिक्वेंट लाइन्स कंटेन्स अ स्पेस सेपरेटेड सीक्वेंस इन द फॉर्मेट ऑफ दिस डिस्क्राइबिंग द के एलिमेंट ऑफ एरे. ओके, सो ईच ऑफ द क्यू सब्सिक्वेंट लाइन्स कंटेन्स टू स्पेस सेपरेटेड इंटीजर्स डिस्क्राइबिंग द रिस्पेक्टिव वैल्यूज ऑफ आई एंड इंडेक्स इन एरे ए एंड जे एंड इंडेक्स इन द एरे रेफरेंस्ड बाय ए ऑफ आई फॉर अ क्वेरी. सो ऑल इंडेंस इन दिस चैलेंजेस आर जीरो बेस्ड एंड यहाँ पर गिवन आर नॉन नेगेटिव. ओके, आउटपुट फॉर्मेट में हमें क्या चाहिए. फॉर ईच पेयर ऑफ आई जे वैल्यूज दैट इज फॉर ईच क्वेरी प्रिंट अ सिंगल इंटीजर दैट डिनोट्स द एलिमेंट लोकेटेड एट इंडेक्स जे ऑफ द एरे रेफरेंस्ड बाय ए. देयर शुड बी अ टोटल ऑफ क्यू लाइन्स ऑफ आउटपुट. ओके, तो सैंपल इनपुट में अगर हमारे पास ये होगा तो हमारे पास आउटपुट क्या चाहिए, 5 और 9 आउटपुट चाहिए. तो यहाँ पर क्या होगा, वेक्टर्स का हमें जो है ना यूज करना है. प्रॉब्लम समझ में आ गई, हमें परफॉर्म करनी है क्वेरीज ऑन अ वेरिएबल साइज्ड एरे. समझ में आया, तो हमें एक सिंपल वेक्टर्स का यूज यहाँ पर करना होगा. तो थोड़ा सी अगर आपको वेक्टर की नॉलेज होगी तो ये आपको इजी जाएगा. आई एम क्लियरिंग दिस आउट एंड वी आर डूइंग द प्रोग्राम फ्रॉम स्क्रैच. तो जस्ट वी हैव टू स्टार्ट विथ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम. ओके, include iostream and as I told हमें vector को use करना है. तो we are going to use include and we are going to write here vector. तो उससे related आप उसका जो vector का काम है वो यहाँ पर program में नहीं कर सकते. so that's why you have to use this. तो यहाँ पर आप लोगे क्या, using namespace std. ओके, नाउ लेट्स गो डायरेक्टली इनटू आवर मेन फंक्शन. एंड मेन फंक्शन के अंदर हम पहले जैसे कि यहाँ पर क्या बोला गया, देखो यहाँ पर हमें स्टार्टिंग में ही बोल दिया है इनपुट में हमें क्या चाहिए. हमें दो चीजें चाहिए क्या, एक तो है आपका n. n क्या है आपका, द नंबर ऑफ वेरिएबल लेंथ एरेज. और q क्या है आपका, द नंबर ऑफ क्वेरीज. तो ये हम यहाँ पर डिनोट कर सकते हैं, राइट. तो यहाँ पर हम लिखेंगे n int n q, है ना, n और q हमने ले लिया. और दोनों भी जैसे कि हमें बोला है कि हमें क्या चाहिए, इनपुट चाहिए. तो ये सिंपल हमने यहाँ पर ले लिया. ओके, तो यहाँ पर इनपुट हो गए हमारे नंबर ऑफ एरेज एंड क्वेरी. समझ में आया, नंबर ऑफ एरेज को हमने इनपुट लिया और क्वेरीज को हमने इनपुट लिया. अब हमें डिक्लेयर करना है अ वेक्टर ऑफ वेक्टर्स. तो हम डिक्लेयर कैसे करते हैं वेक्टर्स को, पहले ये देख लो. तो एक वेक्टर हम ले रहे हैं, वेक्टर ऑफ वेक्टर्स जो है हमें डिनोट करना है. तो यहाँ पर हम वेक्टर एंड इसी के अंदर हम वेक्टर लिख रहे होंगे एंड यहाँ पर उसका हम टाइप लिखेंगे जो कि होगा हमारा इंट टाइप. एंड डेफिनेटली यहाँ पर हम पास कर रहे होंगे एर. ओके, एंड यहाँ पर हम लिख देंगे एन, यहाँ पर हम लिख देंगे एन. ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया हमने, एग्जैक्टली हमने यहाँ पर डिक्लेयर किया वेक्टर ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको तभी समझ में आएगा अगर वेक्टर्स क्लियर है तो. ठीक है, नाउ लेट्स गो. अब हमें इनपुट लेना है ईच एरे को. तो हम इनपुट अगर ले रहे हैं तो हम फॉर लूप का यूज करेंगे डेफिनेटली. तो हम इंट क्या लिखेंगे, आई इक्वल टू जीरो, है ना, और आई
लेस देन एन तक जाएगा राइट और हमारा आई हो जाएगा प्लस प्लस डेफिनेटली। यहाँ पर हम करेंगे क्या इंट के है ना, के क्या है हमारा इनपुट, हमें लेना है साइज ऑफ द एरे ओके। तो इस वाले में हम सी इन ले लेंगे के ठीक है ओके, क्योंकि हम इनपुट ले रहे हैं ईच एरे को राइट। तो यहाँ पर इनपुट हो गया उसका साइज डेफिनेटली। अब हम क्या करेंगे रिसाइज करेंगे इनर वेक्टर को, किस क्यों रिसाइज करना है क्योंकि हमें उसको के साइज के अंदर लेकर आना है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे वी विल यूज योर एर ऑफ आई एंड हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं डॉट रिसाइज मेथड को ठीक है। डॉट रिसाइज मेथड को हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं एंड उसको उसमें पास कर देंगे के वैल्यू ताकि रिसाइज हो जाए हमारा इनर वेक्टर टू साइज के ठीक है। इतना समझ में आ गया होगा। अब इसी के अंदर हम क्या ले रहे होंगे एक और फॉर लूप ले लेते हैं इसी के अंदर ठीक है। एंड इसके अंदर हम क्या करेंगे इंट जे इक्वल टू जीरो ओके एंड जे जो है लेस देन के होना चाहिए, जे होगा ठीक है, जे जो है वो लेस देन के होना चाहिए और जे प्लस प्लस ठीक है। जैसे हमने सिंपल ऊपर आई के लिए किया वैसे ही हमें यहाँ पर करना है किसके लिए के लिए ठीक है ओके लेट मी ज़ूम इट या अब नाउ यहाँ पर हम कर ले लेंगे सी इन एंड जैसे कि अब यहाँ पर अभी हमें इनपुट लेना है एरे एलिमेंट्स को, तो एरे एलिमेंट्स अब हमारे हो गए आई फॉर्मेट में और जे फॉर्मेट के अंदर, तो दोनों भी हमने यहाँ पर ले लिए ठीक है। तो यहाँ पर अभी कोई एरर हमारे पास नहीं आ रहा है। नाउ वी विल परफॉर्म क्वेरीज ठीक है। परफॉर्म क्वेरीज कैसे करेंगे, यहाँ पर आई विल राइट हियर परफॉर्म क्वेरीज ठीक है। तो इसके अंदर हम कैसे कर रहे होंगे बेटा ओके यहाँ पर हम सिंपल फॉर लूप का यूज करेंगे ठीक है। तो यहाँ पर फॉर लूप एंड यहाँ पर हमारा इंट जो है वो आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा होगा एंड यहाँ पर जो आई है वो लेस देन कहाँ तक जाएगा हमारी क्वेरी तक, तो क्यू हमारी क्वेरी यहाँ पर हो गई और यहाँ पर आई प्लस प्लस सिंपल ओके। अब यहाँ पर हम दो एक मतलब ना वेरिएबल्स ले लेंगे ए और बी जिसमें इनपुट लेंगे क्वेरी के इंडाइसेस है ना। तो सिंपल ए और बी हमने यहाँ पे ले लिया इनपुट और सी इन ले लेंगे यानी कि ऑफकोर्स डेफिनेटली हमें इनको लेना है इनपुट के अंदर। तो वी विल डू दिस थिंग, इनपुट ले लिया हमने एंड देन वी विल सी आउट ठीक है। सी आउट कैसे करवाएंगे, एरे इन द फॉर्म ऑफ ए इन द फॉर्म ऑफ योर बी ओके एंड यहाँ पर आ जाएगा हमारा एंड एल ठीक है। बस इसके बाद नीचे हमें कर देना है रिटर्न जीरो, इसके नीचे रिटर्न जीरो दैट्स इट ठीक है। तो इसके अंदर अब कोई एरर हमारे पास नहीं आ रहा है, तो लेट्स रन दिस कोड एंड सी ओके तो टेस्ट केसेस हमारे सारे पास हो रहे हैं तो ये ठीक है, यहाँ पर एक्सपेक्टेड आउटपुट जो है वो सब क्लियर हो रहा है। तो लेट्स गो एंड सबमिट द कोड ओवर हियर। ओके सो कॉन्ग्रेचुलेशन, सब कुछ हमारा जो है यहाँ पर पास हो रहा है ओके। तो ठीक है यहाँ पर ये हो गया। यहाँ पर अगर आपको इसको और अच्छे से समझना है तो व्हाट यू कैन रेफर इधर डायग्राम है जो कि आपको क्वेरी की सारी लैंग्वेज जो भी मतलब आपको इसका कंटेंट समझना है ठीक है, वो कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा। इंडेक्स अगर जीरो एंड वेरिएबल लेंथ क्या हो जाएगी यहाँ पर के की, तो थ्री हो जाएगी अगर 154 लाइक दिस आपके एलिमेंट्स है एंड अगर वन है तो क्या हो जाएगी 12893 अगर सपोज आपका कोई एरे है तो उसके लेके की वैल्यू क्या जाएगी 5 हो जाएगी ठीक है। सो देखो वी परफॉर्म द फॉलोइंग क्यू इक्वल टू 2 क्वेरीज ठीक है, इसलिए इसमें हमने क्या लिया n जो है वो 2 लिया है ना। तो यहां पर फाइंड द एरेज लोकेटेड एट इंडेक्स i 0 व्हिच करेस्पोंड्स टू दिस, सो वी मस्ट प्रिंट द वैल्यू एट इंडेक्स j इक्वल टू 1 ऑफ दिस एरे व्हिच एज यू कैन सी इज 5 ठीक है। तो अगर 1 की वैल्यू हमें इसमें से फाइंड आउट करनी है 1th इंडेक्स की, तो वो तो 5 हो जाएगी। तो ऐसी सिंपली हमें जो है ना इसको समझना है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये, बस कंसेप्ट अंडरस्टैंड करना। अगर आपको वेक्टर्स आता होगा तो ये बहुत इजीली समझ में आएगा, कुछ नहीं हमने बस इनपुट लिया है आउटपुट किया है कुछ भी नहीं, जस्ट रिसाइज किया है हमने एक एरे को दूसरे एरे साइज के अंदर ठीक है। सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा एंड वी हैव डन दिस ऑल एंड वी हैव सबमिटेड द कोड ऑल्सो करेक्टली। सो दैट्स ऑल, अब आपको आप प्लीज इसको फॉलो करो इस सीरीज को एंड डेफिनेटली आई विल बी देयर विद यू एवरी डे, वी आर सॉल्विंग द ईच एंड एवरी क्वेश्चन एवरी डे ओके। सो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा आगे जाके ये सीरीज, आई वांट टू बी सी दिस सीरीज एज सक्सेसफुल वन। सो प्लीज आपके हाथ में, यू आर ओनली द वन हु इज गोइंग टू मेक दिस सक्सेसफुल ओके। तो चलिए मिलते हैं डे 10 के अंदर, तो चलिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।